कि पिताजी सब कुछ समाज के लिए करते थे, जैसे सफाई अभियान चलाते थे, बुराइयां छुड़ाते थे, नशा छुड़ाते थे, समाज के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक और महिला हमारे साथ जुड़ी, जानेंगे आखिर क्या है मेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सोनिया। तेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? बचपन से, छोटे से ही थे तभी 5 साल की उम्र में नाम ले लिया था। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने प्लस टू किया है, अभी कोर्स कर रही हूँ इंजीनियरिंग का। काफ़ी लोग कहते हैं कि डेरा में अनएजुकेटेड पीपल्स आते हैं, क्या जवाब देना चाहोगे? कुछ नहीं, बल्कि ये कहना चाहेंगे कि जो जुड़े हैं संगत, वो अपनी श्रद्धा भावना से जुड़े हुए हैं, अभी आए हैं जैसे, तो उनकी श्रद्धा है। हम तो यही कहेंगे कि पिताजी जल्दी से जल्दी आएँ और डेरे में आएँ, दुनिया का सरदार करें, यही कहना चाहेंगे। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया गुरुजी को बारे में, गुरुजी को लेकर डेरा के बारे में, क्या मानना है आपका? यही है कि बहुत गलत दिखाया गया है, लेकिन हमने तो कभी, हम बचपन से आ रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा डेरे में नहीं देखा कि पिताजी ने कभी कुछ गलत किया हो, बल्कि अच्छे करते थे, अच्छा सुधार करते थे, जैसे कि सफाई करना, बुराइयाँ छुड़ाना, नशा छुड़वाना, अच्छा काम करते थे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो मीडिया में दिखाया गया वो बिल्कुल गलत था, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। गुरु जी की आज समाज में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आना चाहिए पिताजी को, शायद नहीं हो सकता। गुरु जी समाज में नहीं है तो क्या क्या दुष्परिणाम जो हैं देखने को मिल रहे हैं समाज को? यही है, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस जो आया है, कि पिताजी होते तो शायद ना आता है। सरकार से क्या अपील करनी चाहोगे? सरकार से हम तो यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ें, कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आएं। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं क्या कहना चाहोगे? सब गलत है ये। गुरुजी के बारे में मीडिया ने काफ़ी कुछ दिखाया था, कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है उस बारे में, उनके बारे में जो भी दिखाया गया, जनता जानना चाहती है। सच्चाई तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, जो भी दिखाया बुरा ही दिखाया, गलती दिखाया, गलती बताया, सब कुछ गलत बताया डेरे के बारे में। जो उन्होंने कहा ऐसा डेरे में कुछ भी नहीं है, डेरा एकदम साफ है। और पिताजी भी, हम ये कहते हैं पिताजी अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे थे, सब कुछ सही है। समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए यही है कि पिताजी सब कुछ समाज के लिए करते थे, जैसे सफाई अभियान चलाते थे, बुराइयां छुड़ाते थे, नशा छुड़ाते थे, समाज के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन एक लेटर से उन्होंने इतनी बड़ी बात बना दी, मतलब एक सिर्फ ये भी नहीं पता कि वो किसने लिखा है, उस लड़की को भी सामने नहीं लाया गया अभी तक। और कैसे मीडिया ने सारी, मतलब लोगों को तो बात चखने का मौका चाहिए होता है। समाज ही शायद समझ नहीं पा रहे। लड़कियां डेरे के अंदर कितनी सुरक्षित है, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे घर के ये सोचते हैं कि डेरे में गई हैं तो बल्कि खुश हैं, वहाँ पे सही हैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करते। बल्कि हम बाहर कॉलेज जाते हैं तो घर वालों को टेंशन रहती है, अभी कॉलेज गए हैं तो अपनी लड़कियाँ कैसे होंगे, कैसे घर आएंगे, तो पता नहीं आते, टेंशन में रहते हैं। लेकिन डेरे में हम पूरा दिन रहें, पूरी रात रहें, तो घर वालों को कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि डेरे में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहनें जैसे अलग होती हैं, भाई अलग होते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ पर डेरे में। गुरु जी का कैरेक्टर है किस तरीके का? बहुत अच्छा है। गुरु जी ने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए बहुत किया हुआ है गुरु जी ने, तो देखे जाए तो गिनाए जाए इतने नियम दिए हुए हैं गुरु जी ने, बहुत काम किए हुए हैं, समाज के लिए किया सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, गुरु जी ने समाज के लिए तो काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं। साथ ही हर एक महिला जो चैनल के माध्यम से सामने आती है, वो कहती है कि जो मैं हूँ वहाँ जितना डेरा में सुरक्षित महसूस करती हूँ, शायद ही मैं कहीं करती हूँ, अपने घर पर भी नहीं करती, अपने गले महल्ले में भी नहीं करती। तो ऐसा माहौल देना एक लड़कियों को बहुत ही बड़ी बात है। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।